एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं डिस्मैन कार्बोजन एमसेक लिमिटेड की, एज एन DCAL। तो ये स्टॉक फॉल होते हुए दिख रहा है फिलहाल। क्विकली चार्ट देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ आप नोटिस करोगे कंसिस्टेंटली दो दिन की स्ट्रीक में स्टॉक इस सपोर्ट तक आ गया है और अभी इस सपोर्ट पे 155 के अराउंड है, क्योंकि यहाँ मेजर स्ट्राइक्स हैं, इसी वजह से यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है ये। और ऐसे ही स्टॉक अगर नीचे रहा तो नीचे आ जाएगा और ये वाली ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेगा कहीं ना कहीं। तो आपको दो चीज़ें नोटिस करनी है फिलहाल के लिए। ये दोनों ट्रेंड लाइन ये महत्वपूर्ण है, ये टूटती हैं तो ये चैनल टूट जाएगा स्टॉक का, जिस चैनल में ये चल रहा है। चैनल टूटता ही एक सेलिंग प्रेशर और देखने को मिलता है, स्टॉक यहाँ तक गिर सकता है। तो ये आपको नोटिस करना है। अगर आपकी होल्डिंग्स हैं स्टॉक में तो एक्टिव रहिए और यहाँ तक के आप लेवल्स समझ के रखिए कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फर्दर ब्रेकडाउन आएगा। फिलहाल दो चीज़ें और नोटिस कर लीजिए इस स्टॉक में, तो वो हैंगी कि ये स्टॉक में गैपिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको। आप नोटिस करोगे यहाँ पर गैप है ये वाला ऑलमोस्ट 8-10 पॉइंट का, एक गैप यहाँ भी रह गया है छोटा सा। तो ये गैप्स फिल करने स्टॉक ज़रूर आएगा इन फ्यूचर, और जब ये गैप फिलिंग होगी ना वो आपका एक्यूमुलेशन पीरियड होगा लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि स्टॉक का फ्यूचर बहुत अच्छा है। जिस हिसाब से इस स्टॉक में FII और DII के स्टेक हैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है। और आपको एक चीज़ और बता दूं इस स्टॉक के बारे में, तो आप नोटिस करोगे एक बड़े चैनल में ट्रेड कर रहा है पहली बात तो स्टॉक। बड़े चैनल के बाद स्टॉक जब नीचे आता है तो छोटे चैनल में भी ट्रेड होना शुरू होता है। तो दो स्टॉक के ऐसे चैनल बने हुए हैं, इन्हीं में स्टॉक मोमेंटम बना के रखे हैं अपने। तो ये बहुत अच्छी है जब स्टॉक चैनल वाले होते हैं, तो मैंने ही कहा कि वो स्लो स्टॉक होंगे बट रिटर्न्स बहुत अच्छे देंगे। अब यहाँ से अगर आप नोटिस करोगे तो जिन लोगों ने इसमें फैब में अराउंड में बाइंग करी है, क्योंकि वहाँ से स्टॉक ने एक बुलिश मोमेंटम पकड़ा है, तो उनके अभी तक के ऑलमोस्ट 110% के रिटर्न निकाल दिए। 6 महीने में स्टॉक ने 110% निकाल दिए, इन्वेस्टर्स के पैसे डबल हो गए। तो बहुत अच्छा स्टॉक है ये। ऐसे स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना चाहिए हर किसी को। अब आपको और बता दूं कि ये डील किस चीज़ में करती है, प्रोडक्ट क्या है। तो यहाँ आप नोटिस करोगे कि डिस्मैन कार्बोजन के जो मेन हैगा काम वो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का है। इसके बाद इनके पास जो सप्लाई चेन है वो केमिकल्स, विटामिंस एंड केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स की है। प्रेजेंस भी इनकी काफ़ी है अदर कंट्रीज़ में, स्विट्ज़रलैंड, UK, यूरोप, चाइना और भी बहुत सी कंट्री हैं। तो इनका काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और इसी वजह से आप देखोगे इन्वेस्टर्स इनके बहुत इंटैक्ट हैं। यहाँ पे आप देखोगे 59.32% पे इनके जो प्रमोटर्स हैं वो इंटैक्ट हैं ऑलमोस्ट 2021 से। FII के थोड़े से स्टेक कम हुए हैं बट DII ने स्टेक बढ़ा लिए हैं अपने। तो आप देखोगे इन्वेस्टर्स का रेशियो भी बहुत अच्छा है और फ्यूचर पोटेंशियल देख के ही FII और DII इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये आपको नोटिस ज़रूर करना है। अब फॉल क्यों देखने को मिल रहा है स्टॉक में, कि कंसिस्टेंटली दो दिन स्टॉक फॉल हुआ, वो इस वजह से क्योंकि स्टॉक के जो नतीजे हैं वो थोड़े ख़राब रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ये कंसोलिडेटेड हैगा और कंसोलिडेटेड नतीजे अगर आप देखोगे तो फिर यहाँ पे प्रॉफिट में 122 CR का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा, सेल्स भी इंक्रीज हैं 723 CR की रही हैं, इंटरेस्ट कंपनी का थोड़ा सा बढ़ा है 28 CR हुआ है, लास्ट टाइम से 4 CR बढ़ा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी सही आया है 29 CR, EBITDA इनका थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है, नेट प्रॉफिट 17 CR का। तो ये कहीं ना कहीं सही रहा है, बट जब नज़र जाती है इसके स्टैंड अलोन प्रॉफिट पे तो वो थोड़ा चिंताजनक हो जाता है कि उसी वजह से स्टॉक में फॉल आया। यहाँ सेल्स कम दिखेंगी आपको, अब यही रीज़न है कि स्टॉक में फॉल आया, क्योंकि स्टैंड अलोन प्रॉफिट उसका थोड़ा कम रहा है, इसी वजह से आपको फॉल देखने को मिल रहा है। तो ज़्यादा दिन का ये फॉल नहीं रहेगा तो पैनिक सेलिंग मत करिएगा कोई, क्योंकि कंसिस्टेंटली 3 दिनों का स्टॉक फॉल होते हुए दिख रहा है, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं स्टॉक इन दो ट्रेंड लाइन में से सपोर्ट लेगा और रिवर्सल दिखाएगा, तो आपको उस रिवर्सल पास यहाँ अगर बाय कर लेते हैं तो भी आप एक अच्छे रिटर्न निकल के आएंगे। क्योंकि यहाँ तक अगर स्टॉक आता है और यहाँ से यहाँ तक की अगर बाइंग आप लेते हैं तो भी 17-18% आपका वैसे ही नॉर्मली बनी जाएगा। तो यहाँ आप बाय कर सकते हो। फिलहाल कोई बाइंग लेवल्स नहीं है, अगर स्टॉक जब तक बुलिश कैंडल नहीं बनाता है डेली ETF पे तब तक कोई बाइंग मोमेंटम नहीं है, क्योंकि पैरेलल हो रखे हैं। आप देख रहे हो कि EMA क्रॉस भी पैरेलल होते जा रहे हैं और पैरेलल में जितनी भी संभावनाएं होती हैं वो आपका इन्वेस्टमेंट फंसने की संभावनाएं रहती हैं। तो अगर ये गिरेगा, EMA क्रॉस नीचे जाते हैं, वो आपके बाइंग लेवल्स डिसाइड होंगे तब। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।